Welcome to Gazeball. Make sure to subscribe. Hey guys and welcome back to our YouTube channel. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मस्ट वॉच एनिमे। अगर आप एनिमे के फैन हो तो इस लिस्ट के ज़्यादातर एनिमे आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन अगर आप एनिमे की फील्ड में नए हो और आप कुछ अमेजिंग एनिमेज देखना चाहते हो तो ये लिस्ट आपके लिए है। इस लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे मस्ट वॉच एनिमे, साथ ही आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। और वीडियो में जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है ड्रैगन बॉल। इसमें हमने देखा कि कैसे कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। इसमें हमें देखने को मिली एक कमाल की स्टोरी और साथ ही हमें देखने को मिले कमाल के कैरेक्टर्स जो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्कआउट करते हैं। इसमें हमें देखने को मिला कि वी शुड नेवर गिव अप, और ये शो बहुत ही कमाल का है। आपको इसके कैरेक्टर्स, इनके पावरअप्स और सब कुछ पसंद आएगा, तो ये शो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है हंटर हंटर। तो अगर बात करें तो ये शो बहुत ही मज़ेदार है। इसको बहुत ही परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है और इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है। और अगर इस शो की खास बात करें तो वो है इसके कैरेक्टर्स, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। आपको ये शो जरूर पसंद आएगा। तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एनिमे हमारे पास है नारुतो। ये बहुत ही कमाल का एनिमे है। अगर बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो वो भी बहुत कमाल के हैं। शो में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जो कि रियल जैसा फील होता है। कैरेक्टर्स की अपनी बैक स्टोरी है, अपना डार्क पास्ट है, और इसी वजह से वो अपने नए रास्ते बनाते हैं। इस शो की सबसे अच्छी बात है इसके लाइफ चेंजिंग मैसेजेस। ये आपको हर बार एक लाइफ चेंजिंग लेसन देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वन पीस। तो ये एनिमे चाइल्डिश जैसा लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट अ चाइल्डिश वन। इसमें हमें बहुत ही कमाल के एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें हमें कुछ कमाल के इमोशनल मूवमेंट्स भी देखने को मिले। इसमें सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया है, साथ ही इसमें अच्छे लेवल के विलन्स हैं जो कि बहुत ही हॉरिफाइंग और बैडएस हैं। तो नेक्स्ट एनिमे हमारे पास है हाइक्यू। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है जहां हमको देखने को मिलते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट जो वॉलीबॉल खेलते हैं। इसमें हमें देखने को मिले कमाल के कैरेक्टर्स और साथ ही एक कमाल का प्लॉट और उसी के साथ एक अच्छी टीम वर्क। साथ ही इस शो में हमें देखने को मिलता है अच्छा ह्यूमर। तो नेक्स्ट हमारे पास है वन पंच मैन। तो ये शो बहुत ही कमाल का है और इसमें हमें देखने को मिलती है बहुत ही कमाल के फाइट सीन्स, साथ ही ये शो बहुत फनी भी है। इसका एनिमेशन भी बहुत अच्छा है। जहां बात करें साइतामा की, जो कि वन पंच मैन है, ये किसी को भी एक पंच में नॉकआउट कर सकता है, लेकिन स्टिल ही नेवर वांट्स टू डू दिस, ही इज अ हीरो फॉर फन। तो नेक्स्ट हमारे पास है माय हीरो एकेडमिया। अगर आप सुपर हीरो मूवीज के फैन हो और आपको सुपर हीरोज वाले शो पसंद है तो ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। इस एनिमे में हमको कुछ सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं। इस शो में आपको कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है, अच्छे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही ये शो बहुत ही इंस्पायरिंग भी है। तो नेक्स्ट एनिमे शो हमारे पास है फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड। तो बात करें तो इसमें हमको देखने को मिलते हैं कमाल की स्टोरी टेलिंग, कमाल के बैलेंस बिटवीन कैरेक्टर्स, और साथ ही ये शो की स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, और साथ ही इसमें हमको एक अच्छी वॉइस ओवर एक्टिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। तो अगला शो हमारे पास है दैट नोट। तो इस लिस्ट में मस्ट वॉच एनिमे है। इस शो की स्टोरी बहुत ही माइंड बॉगलिंग है और साथ ही इसमें हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को भी मिलते हैं। इसके कैरेक्टर्स और प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप क्राइम और सस्पेंस वाला शो देखना चाहते हो तो ये शो आपको जरूर पसंद आएगा। और साथ ही इस शो में हमें एनिमे के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।